हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम मैथ्स का क्वेश्चन पूछ के लाए हैं। तो इसमें तीन सेक्शन या चार सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ रहता है और सब पे मतलब कितना मार्क्स का रहता है सब पे। यहाँ 30 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक नंबर का 6 प्रश्न रहता है, 6 क्वेश्चन रहता है और जिसमें दो दो नंबर का सब कुछ रहता है। तो इसमें सब क्वेश्चन कंपलसरी रहता है बनाने के लिए, और फिर 1 मार्क्स का होता है, दो मार्क्स का भी होता है, 4 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। और उसमें सब कुछ, सब प्रॉपर्ली सब कुछ बनाना रहता है उसमें। तो हम देखते हैं सेक्शन ए में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी आपको वहाँ जो रफ पेपर देगा ना, उस वो भी आपको सबमिट कर देना है, उस पर भी आपको मार्क्स देता है। क्योंकि जैसे 1 मार्क्स का रहता है तो सब क्या करते हैं, बना के डाल देते हैं और रफ पेपर डालते नहीं है, तो फिर वो उसमें मार्क्स काट लेता है। ऐसे रफ साइड रहेगा ना, तो फिर वो या तो फिर कॉपी के साइड में ऐसे लाइन पढ़ के यहाँ पे रफ बना के वहाँ पे रफ कर देंगे, फिर ऐसे तो वो साथ में ही चला जाएगा उसके। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये सब एक एक मार्क्स का रहता है और एकदम एग्जैक्टली मतलब 90% आपको इसमें से मिल ही जाएगा। बस कुछ कुछ डिफरेंट रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन रहता है, देख लीजिए। इसका वैल्यू निकालना है सेक का, फिर राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर एकदम इम्पॉर्टेंटली पूछ देगा, और साइन थीटा कॉस थीटा में भी आपको एक नंबर में एग्जैक्टली एक नंबर में पूछ देगा, दो नंबर में पूछ देगा, और फिर प्रूफ करने के लिए तीन से चार नंबर क्वेश्चन आ ही जाता है, एकदम एग्जैक्टली आपका आ ही जाएगा। फिर आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए भी पूछता है, फिर फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये भी आपको इम्पॉर्टेंटली पूछ ही देगा। फिर ये फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए 5 5-3 एंड 13 इक्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको इम्पॉर्टेंटली एक क्वेश्चन पूछ देगा, इतना हम श्योर है। फिर आपका आता है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में 7 से 12 क्वेश्चन तक में दो नंबर का सब कुछ रहेगा। तो आप देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम पूछ देगा, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है 10th के एग्जामिनेशन का। देखिए बोल रहे थे ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में भी, इसमें भी आ चुका है ये वाला, इसलिए आप और ये भी इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए आपको पूछ देगा। आप लोग बस जितना भी मेन है ना, 3-4 बुक का चैप्टर है, वो सब आपको एग्जैक्टली पूछ ही देगा। फिर इसमें से भी कुछ कुछ है, देख लीजिए HCF निकालने के लिए, या फिर किसी किसी में पता है और करके दिया रहता है। ये 12 तक का है, दो दो नंबर का। फिर सेक्शन सी जिसमें से 13 से 22 तक रहेगा और 3-3 नंबर का रहेगा,